छठ एक सिर्फ पूजा नहीं है, ये बिहार वालों के लिए स्पेशली साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसको ये बड़ी ही श्रद्धा से और धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि इस बार की छठ पूजा को जो आयोजन किया गया है उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, और ये शाम को जो अर्घ देते हैं उस समय का दृश्य है। तो यहाँ इस पार्क में होती है हमारी हर साल की जो है छठ पूजा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आई हूँ अपने फ्रेंड की जो छठ पूजा करती है उनकी फैमिली में, तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ है शाम को जो अर्घ देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे जो आम बाग का पार्क है वहाँ पे हर साल ये छठ पूजा का आयोजन होता है। वैसे तो हर साल ही वो इनवाइट करते हैं, लेकिन पहले कभी भी मैंने YouTube पे शेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं आपकी डिमांड पे मैं इस बार की सारी जो ब्लॉगिंग है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे की वीडियो में देखिए किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है इस पूजा को। ये घाट का एंट्रेंस है जो बहुत ही प्यारा सजा रखा है। यहाँ से अब जाएंगे नीचे जो कि पूरा एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है, जहाँ पे सभी लोग उसमें खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। आप छोड़ो वेदांश, चलो। अब हम जा रहे हैं सभी घाट पे, जहाँ पे पूरा घाट का जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, और बहुत भीड़ हो रखी है इस बार।
नहीं करो किसी को भी लग जाएगा। विजय और करण जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आ जाए, जहाँ ये साउंड लगा हुआ है। जय जय करो, जय जय। चलिए अब मैं आपको वो घाट दिखाती हूँ जहाँ पे सब लोग खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर पंडाल सजाया हुआ है, पूरा लाइटिंग से किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये लाइट्स नहीं है, सितारे चमक रहे हैं। और उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना पानी में, ऑसम आ रहा था कि कैमरे में शायद ही आप उसको जो है फील कर पाएंगे कि ये कितना देखने में सुंदर लग रहा था। हम सब काफ़ी देर तक, बहुत लेट तक यहाँ बैठ के जो है इसको देखते रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी पूजा करके चले गए थे, हम लोग लास्ट तक सिर्फ इस घाट को देखते रहे, यहाँ की सुंदरता को देखते रहे। और ये इतना सुंदर पार्क है जहाँ पे बीचों बीच ये पूरा आयोजन किया जाता है, तो देखते ही बन रहा था कि कितना सुंदर लग रहा था ये देखने में। और आगे भी बहुत सुंदर उनका होता है। सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं, सभी लोग घाट से जो है ना पूजा करके अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बारी बारी सब लोग अपना अपना सामान लेके अब घर जा रहे हैं, और घर जाके जो उनका पूजन होता है वो करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा था जब वो लोग पूजा कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, और एक अलग ही जो है ना मन में भाव आता है कि वाह यार कितना अच्छे से कर रहे हैं ये लोग। तो थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड को जिसने हम सबको इनवाइट किया इस पूजा में, और इस पूजा में सम्मिलित होने का और जो है देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि छठी मैया जो होती हैं वो बहुत ही सब पे कृपा करती हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो छठी मैया हम पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। थैंक यू।